नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामेश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन क्या है? इनका क्वेश्चन ये है कि क्या मैं अपनी सर्विस पूरी कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बच्चों की जिम्मेवारी कब तक पूरी हो पाएगी, क्या कोई बिजनेस भविष्य में करने की संभावना है, विदेश यात्रा की संभावना है, मल्टी प्रॉपर्टी की संभावना है, स्वास्थ्य भविष्य में कैसा रहेगा। देखो, इन्होंने जो ये क्वेश्चन पुटअप करे, ये क्वेश्चन तो इनके सारे मैच हो रहे, पर मुद्दा ये नहीं है कि क्वेश्चन मैच हो रहे हैं, मुद्दा ये है कि इनका मूलांक क्या है। ये हैं अभी 55 साल के होने वाले हैं, ठीक है, और इनका मूलांक है 9। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, मूलांक 9 और 8 साफ सुथरा नहीं निकल सकता ज़िंदगी में। उपलब्धियाँ पाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पाएगा, ठीक है, ये बीच में नहीं रहना चाहता ज़िंदगी में, ये ऊपर रहना चाहता। इसका जो रूलिंग प्लेनेट है वो मंगल है, बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, शारीरिक शक्ति खूब होती है, ये लोग किसी भी काम को पहले सोचते हैं, ठीक है, पहले काम करते हैं बाद में सोचते हैं, स्वभाव में तेजी होती है, अंदर ऊर्जा का भंडार होता है, जोशीले होते हैं, क्रोधी भी होते हैं लेकिन इन्हें पता नहीं होता, मुंह पर सीधी बात बोलने वाले होते हैं, आलोचना सहन नहीं कर सकते, लोग इनसे डरते हैं, इनके कामों में अड़चने डालते हैं, इनके जीवन में अधिक संघर्ष करना पड़ता है, दुश्मन अधिक होते हैं और किसी भी चुनौती को सामना करने से डरते नहीं हैं, उदार प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिक होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे रहते हैं, अकल और शक्ति से बड़ी समस्या से ये निकल जाते हैं, किसी भी टॉपिक को आसानी से समझ लेते हैं, साइंस और आर्ट्स में अच्छा करते हैं, अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ दे तो दिक्कत होती है, दोबारा करने में सेना, पुलिस, खेल, कोयले के बिजनेस में, धातु के बिजनेस में अच्छा करते हैं, जॉब और बिजनेस जहाँ अनुशासन होगा ये अच्छा करेंगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, अच्छे मैनेजर बनते हैं, भाग्यशाली होते हैं, कमाई भी करते हैं, खर्चीले भी होते हैं, प्रेम संबंध अधिक लंबे समय तक नहीं चलता, प्रेम में झगड़े भी होते हैं, रिलेशनशिप भी टूटती हैं, वैवाहिक जीवन ठीक चलता है, गर्म स्वभाव के कारण घरेलू झगड़े बढ़ते हैं, घूमने फिरने का शौक होता है, चोट लगने की संभावनाएँ होती हैं, 1, 3, 4, 5, 6 और 9 अंकों से इनकी बनती है, 2, 7, 8 के साथ नहीं बनती, लीडरशिप क्वालिटी होने के बावजूद भी फ्रंट में रहेंगे मात खाएंगे, बिजनेस में भी सब जगह पर सेनापति के रूप में रहें, नंबर 2 पे रहें, जैसे मूलांक 2 रहता है बहुत अच्छा करता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, तकनीक में ये अच्छा करते हैं, 9 से झगड़ा जो करता है नुकसान उसी का होता है, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, दूसरों पर भरोसा बहुत जल्दी करते हैं, मात खाते हैं जीवन में, किसी को पैसा उधार मत दे, सावधानी बरते और रत्न मूंगा पहने। देखो, ये तो रहा इनका एक मूलांक के हिसाब से, क्वेश्चन क्या था और हम ढूंढेंगे क्या। पहले मैं देखता हूँ कि पाम रीडर किस तरीके से व्यक्ति को मैनिपुलेट करते, चीज क्या पूछी और बता क्या रहे हैं, इनकी रेखाओं की चाल क्या बताती है, ये पामेश्री हीलर के चैनल पे ही पता लगता है, वरना तो राहु रेखा के कारण ये सब हो चुका, बस इतना ही बताया जाता है, या छोटी मोटी जो जिसे कहते हैं तुक्के की पामेश्री को कर लेना और उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मल्टीपल प्रॉपर्टी, बस एक चीज़ कहीं से पढ़ ली, उसी को देखना और समझना, बहुत इस हाथ में डिस्टर्बेंस के अलावा भी तरक्की साफ निश्चित है। क्या है इस हाथ में ऐसा जो मैं कह रहा हूँ कि ये हाथ देखा जाए तो व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है कि कितनी मुसीबत के बाद मूलांक अपना काम करके निकल जाता है। धार्मिक है वो, मूलांक बता रहा है यहाँ पे धार्मिकता छलक रही है नहीं छलक रही है, एक नया साइन है वो दिखाता हूँ मैं आपको, वो भी दिखाऊंगा, चीज़ें
बहुत है इस हाथ में अगर समझना चाहें तो, अगर समझना चाहें। हम क्या किसी भी पाम रीडर को देखो, वो क्या कर देगा? ये एक इसको ये समझ लिया कि जिंदगी का पैमाना भाई जॉब करनी है या बिजनेस करना है। मुद्दा ये नहीं होता, मुद्दा ये होता है कि वो उसमें डेडिकेशन कितना, कि बैठ के कमाएगा या बोल कर कमाएगा, ठीक है ना? ये मुद्दा नहीं होता। हर आदमी अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कमाता है, ठीक है ना? एक बंदा पहले बैठता था, उसका काम नहीं चला, उसने बिजनेस खोल लिया, सेल्स और मार्केटिंग का करा, तो उसे भागना पड़ रहा है, पर लेकिन बातचीत भी हो रही है, क्योंकि इंटरेक्शन क्लाइंट से कर रहा है। एक सेल्स का बंदा सड़क पे धूप पे खड़ा होकर, सपोज मान के चलो कि कोई कैनोपी लगा रहा है, स्टैंडी लगा रहा है, ठीक है, सेल्स का कोई आरोप बेच रहा है, कोई अपने फ्लैट के लिए बिल्डर के पास काम कर रहा है, धूप में खड़ा है, कुछ कर रहा है, तो ये बैठकर और बोलकर, वो ऑफिस में जाकर बैठ रहा है लेकिन वो चल रहा है, उसका हाथ रेक्टेंगल शेप है और वो बोल रहा है कि इसे बैठकर और बोल बोल के कहता, देखा आप हो ना सेल्स में, बोल के कमा रहे हो ना। ये होती है तुक्के की पामिस्ट्री, इसे नहीं कहते। मेरा इस पे इंटरेस्ट नहीं है कि रटी रटाई बातें बोल दो, फिर भी देखो ये है, अब बैठकर और बोलकर ये उंगली थोड़ी सी आगे चल रही है। इनमें बिजनेस के टैक्ट केवल, देखो नौकरी कर रहा है तो इसका मतलब बिजनेस के टैक्ट आना कोई लॉजिक नहीं, कोई लॉजिक नहीं बिजनेस के टैक्ट में। लेकिन उस जॉब में आपने तरक्की पानी है, उस जॉब में टिके रहना है, ऑफिस में पॉलिटिक्स होनी है, उस पॉलिटिक्स से बच के अपने आप को, अपनी सीट को सिक्योर करके आगे बढ़ना है। क्या ये बिजनेस नहीं है? ये टैक्स नहीं है? एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में जॉब करे, सपोज इन्होंने जॉब करे और ये उंगली यहां पर दे रखी है, तो इसका क्या मतलब कि बिजनेस के टैक्स होंगे? कि इन्होंने ये क्वेश्चन 55 साल में पूछा इसलिए ये उंगली यहां पर टेढ़ी कर दी गई कि 55 से आगे अगर ये बिजनेस करेंगे तब इसका मदद करेगी। कहने वाला बेवकूफ, समझने वाला बेवकूफ। मैं तो ठोक बजा के बात करता हूं, ठोक बजा कर बात करो अपनी लाइफ में। नहीं, जब आप काम करते हो ऑफिस में तो क्या पॉलिटिक्स नहीं होती? क्या आपको आगे बढ़ने के लिए टैक्स की जरूरत नहीं पड़ती? अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रूफ करने के लिए अपने बॉस के सामने, अपने स्टाफ के सामने, अपने विभाग के सामने पड़ती? उसमें ये उंगली बहुत सहायता देती है, बहुत सहायता देती है। तो इस तरीके से कान खोल कर, आंखें खोल कर अगर हम एनालिसिस में जब किया जा रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे, हमें पता लगेगा तुक्के की पामिस्ट्री क्या कहती है और असलियत क्या कहती है। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, वो रटी रटाई बातें बोलेंगे, नहीं करेंगे। 55 साल का है, और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये बिजनेस के लिए टैक्स है तो मैं बेवकूफ हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ। अगर मैं बोल, नहीं, असलियत क्या है वो अलग है। इसलिए मैं कह रहा था एनालिसिस में विश्वास नहीं होता मेरा। एनीवे, देखो ये फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है। फर्स्ट बैलेंस पे पहुंचना और उसके ऊपर थोड़ा सा भी अलग होना, ये टैक्स होते हैं। मूलांक 9, मंगल इसका रूलिंग प्लैनेट, और मंगल क्या करता है? जिसका भी होगा उसके दुश्मन बहुत होंगे, याद रख लीजिएगा, दुश्मन बहुत। आप 10 दिन ऑफिस में मत जाओ, देखो आपके पीछे षड्यंत्र होता है, नहीं होता। आपके सामने डर के मारे, हाँ बिल्कुल, हाँ आप जैसा काम बहुत, और आपके बाद बॉस के साथ कुर्सी पर बैठ के आपकी बुराई बॉस के साथ हो जाएगी, हो जाएगी। ये सबसे माइनस पॉइंट होता है मूलांक 9 के साथ। जब तक वो काम करता रहे, सब तक करता रहता है, उसका कोई बाल बाका नहीं करता, जहां से हटा नहीं उसकी बुराइयां शुरू हुई नहीं। एनी, देखो
ये उंगली का, अगर ये उंगली बड़ी है, मैं देख लेता हूँ अगर कोई फोटोग्राफ हुई तो। देखो जैसे ये फोटोग्राफ है, इसमें क्या है कि उंगली तो लगभग लगभग ये बड़ी है, बराबर ही लग रही है, कुछ नहीं है, पर लेकिन ये उंगली का चौड़ा होना ना, ये एक अच्छा साइन भी है, पैसों के लिए अच्छा साइन। ये तुक्के की पामिस्ट्री होती है, इसे मैं सही तो मानता नहीं, ठीक है, पर लेकिन समुद्र शास्त्र में उंगलियों को देखकर दूर से पता लग सकता था ये क्यों बनाई गई, इसके पीछे रीज़न क्या था कि ये सारी चीज़ें करने। अब देखो मान के चलो कि किसी को पामिस्ट्री आती और किसी ने अट्रैक्शन देनी है किसी व्यक्ति को, अरे भैया आपके पास पैसा होगा, वो कहेगा यार मैंने तो आप इसको हाथ भी नहीं दिखाया, ऐसे ही हाथ करा था, इसने ऐसे ही पकड़ ली चीज़ों को। आपका ब्रॉड माइंडेड हो गए आप, मतलब ये कैसे सोच लिया उसने, उंगली के ढंग से ही पता कर लिया। तो क्या होता है, दूसरा इंप्रेस हो जाता है, जिसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता ना, तो वो इंप्रेस हो जाता है। तो इसे बहुत नॉलेज है, इसे बहुत नॉलेज है, ये तुक्के की पामिस्ट्री हो, इसे तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है। अब ये डिस्टर्ब्ड है, ठीक, ये समझ आई। अब आगे थोड़ा सा क्लोजअप में देखते हैं कि इनका हाथ क्या कहता है। अब देखो ये बुद्ध का पर्वत है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये लाइनें आ रही, तो हम क्या कहते हैं कि तरक्की करता है व्यक्ति, अपनी लाइफ में तरक्की करता है, बोलने की कला में माहिर होता है, ठीक है, ये कहते हैं। या व्यक्ति को कहा जाता है कि यहाँ पर ये लाइनें होती हैं, तो ये चमकती हुई लाइनें होती हैं, तो क्या करती हैं, ये फ़ायदा पहुँचाती हैं, जिनी का काम करती हैं, जिन का काम करती हैं, चिराग का काम करती हैं। इससे जब आपको पास पैसों की कमी होती है तो आप भगवान से प्रार्थना करते हो, तो वो भगवान आपकी मुराद को पूरी कर देता है, लेकिन ये लाइनें करवाती हैं, ये लाइनें करवाती हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड भी है, तो क्या होता है, कन्फ्यूज़न होती है, हम इस तरीके से बात करते हैं और अपना ये वाला पर्वत का काम ख़त्म, इस पर्वत का काम ख़त्म, मतलब ये निचोड़ बन गया, समझते हैं। फिर हम सूर्य पर्वत पर आए, ठीक है, और सूर्य पर्वत पर हमने कहा कि भैया ये वाला जो आपका दबा हुआ है सूर्य, आपका कमज़ोर है। अब यहाँ पर सेपरेट दो लाइनें आ रही हैं जो कि एक कंपेटिबिलिटी को मैच कर रही है, एक इसको मैच कर रही है, और ये एक यहाँ पर, तो इनका तो डिवोर्स निश्चित है, ठीक है। ये डिवोर्स का जो जो यहाँ से उंगलियों से ये वाला एक कनेक्शन बनाया, ये निश्चित है। पर लेकिन इसके साथ, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी ये सेपरेट बनती हैं लाइनें, तो तरक्की को भी रिप्रेजेंट करती हैं। जब ये सीधी आएगी ना लाइन, बिल्कुल सीधी आएगी, तो तरक्की के लिए भी रिप्रेजेंट होती है। चलो वो तो सब पाम रीडर जो कहते हैं ना, हम उसको पहले पकड़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगा एक्चुअल में होता क्या, ठीक है। ये आपने कह दिया कि हाँ हाँ बहुत अच्छा है, और इसका कनेक्शन अगर यहाँ से होता है तो ये आदमी और तरक्की, जो मन में आता है, ये इनकी क्या है, विद्या रेखा पे घमंड है, समझते रहो। फिर हम आगे आए, इनका बुढ़ापे में बहुत सहारा मिलेगा, और ये एक इनकी स्थायी रेखा है, और यहाँ पर आए, ये मल्टीपल इनकम है, यहाँ पर भी बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कहेगा ठीक है अच्छी बात है। और यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हाँ यहाँ पर एक स्क्वायर बने हुए हैं, अगर ये पूरा स्क्वायर होगा तो आपका 32 से 36 पे बन जाएगा। आप करते करते आपने पूरा एनालिसिस कर दिया, पर मुद्दे की बात छूट गई कि आपने ये भी बता दिया कि अब हृदय रेखा क्या कहती है, माइंड लाइन है, तेज होगा व्यक्ति। क्या हम इसी हर हाथ में हम ये रटी रटाई बातें बोल दूँ? नहीं 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 नहीं। अब मैं बताता हूँ, देखो मैंने ये 14 मिनट क्यों आपको ये वाले बताए, इसके पीछे एक रीज़न था कि आपकी मानसिकता को बताऊँ कि आप मानसिकता से कितने नीचे गिर चुके हो सब लोग। ये एक साइन, ये वाला साइन दिखाता हूँ, देखो
ये एक साइन जो है ये क्या कह रहा है? इस साइन को समझने के लिए बहुत टाइम लगा मुझे, बहुत टाइम। पूछो क्यों? ये जो साइन है ये पूरी की पूरी लाइन यहाँ तक टच है। दिखाता हूँ, देखो अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ देनी क्यों जरूरी होती है? देखो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी लाइन टच है। कंपैटिबिलिटी यस, गवर्नमेंट जॉब की कंपैटिबिलिटी यस, ये मैच हो रही है, पहली बात समझना। पर लेकिन ये सीधी लाइन जब कभी भी आती है ना, ये नौकरी में स्टेबिलिटी को दिखाती है ना। नौकरी का स्टेबिलिटी का पैमाना क्या होता है कि यहाँ पर मैं इसी पे क्यों सोचता रहा कि स्टेबिलिटी का तो पैमाना दिख रहा है, लेकिन इसका कनेक्शन क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मैरिज लाइन से भी ये लाइन जुड़ी हुई है? बताओ मैं कहां से कहां तक सोचता है पाम रीडर, ये पकड़ो लाइन हाथ क्या क्या है? इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसी लाइन पर ये क्यों दी उन्होंने, ऐसे क्यों नहीं दे दी कोई और, ऐसे क्यों नहीं दे दी, क्यों इसके पीछे क्या क्या रीज़न है कि ये लगभग आपको जो नीचे उतार के दिए थे 30 साल के करीब क्यों दिए? एक तो 30 साल के करीब दी है, अच्छा ठीक। अच्छा दूसरा इसका मतलब ये है कि जब कंपेटिबिलिटी मैच हो रही है, एक इसके साथ मैच कर दी, इसने इसके साथ मैच कर दी, और ये लाइन होती है सरकारी लाभ करवाने के लिए। इस लाइन के साथ का कनेक्शन इस लाइन के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ा है, तो यानी इनके मुझे शादी की रेखा पकड़नी पड़ेगी। देखो दिमाग कहाँ पर था और इससे कनेक्टेड यहां पर सोचना पड़ा। दोबारा समझाता हूं, देखो इसे क्या कहते हैं, इसे सरकारी लाभ की रेखा बोल दी आपने, तो क्या के पाम रीडर बोलते हैं ना। लेकिन मुद्दा समझो, वो कहते हैं ससुराल भी पैसे वाला मिलेगा, आप बड़ी पोस्ट पे जाओगे, ये करोगे वो करोगे, बहुत कुछ बोलते हैं। और इसे तो मल्टीपल प्रॉपर्टी लगातार आपको मल्टीपल इनकम लगातार 3-4 जगह से आपको पैसा मिलता रहेगा, तभी तो मल्टीपल इनकम बोला। नहीं नहीं नहीं, वो तुक्के के पाम रीडर। इस रेखा ने इस रेखा को क्यों टच किया और ये रेखाएं क्यों आगे जाकर इस वाले पर तो नहीं टच हो रही? आंखें खोलो, देखो ये जो बना, अब बताओ कि ये एक कनेक्शन, इसे मल्टीपल इनकम बोलकर आप निकल लिए पतली गली से, और दूसरा व्यक्ति ने कहा हाँ अच्छी बात है, चलो अच्छा होगा। लेकिन ये रेखा आई क्यों? अब ये आई है, अब शादी की रेखा ढूंढो भैया। यहाँ तो मुझे कुछ शादी की रेखा के साथ कंसर्न लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फॉक क्यों बना गया? पहली बार ये फॉक क्यों बनाया, ये फॉग क्यों आया यहाँ पर और यहाँ पर, ये बना तो ये क्यों बना, और यहाँ पर ट्रायंगल बना है तो इसका मतलब इनकी इस टाइम पीरियड पर वो भी हुई होगी ग्रेजुएशन का, और यहाँ से आगे गया ये, और इसने इसका सहारा लिया, इसने इसका सहारा। अरे बाप रे, ये तो एडवांस कैलकुलेशन है, ये आम पाम रीडर को नहीं आती, वो नहीं समझ पाएंगे। क्या करें, मैं बताता हूँ। दोनों हाथ की कंपैटिबिलिटी में समझाऊंगा आपको कि रेखाएं क्या बोलती हैं और हम क्या समझते हैं। दिमाग ऐसे ही नहीं लगाया जाता।
ये कैलकुलेट करो आपकी यहाँ पर ये रेखाएं क्या कहना चाह रही हैं। अगर मैंने यहाँ पर करा तो ये यहाँ पर आकर मैच हो रही है, यानी यार इनकी ना लाइफ में 24-24 साल पे अगर कोई चीज़ इनकी शादी हुई तो इनकी बर्बादी हुई। एक वर्ड बोलो, टेंशन, मेजर टेंशन, मेजर टेंशन। सर अब आप मुझे लेफ्ट हैंड पे एक बारी दिखाओगे कि क्या लेफ्ट हैंड की रेखाएं भी यही बोलती हैं? देखो लेफ्ट हैंड बहुत मुश्किल होता है तो पाम रीडर पकड़ता ही नहीं, कहता बेकार है, लेफ्ट हैंड नहीं एक्टिवेट होता। तुम्हें भगवान ने बताया था, पाम रीडर को समझा के भेजा था कि वहाँ फैला दो कि लेफ्ट हैंड बेकार होता है, उसे नहीं देखते, वो लड़कियों के लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है, बोल दो वहाँ, फैला दो बातें। और फैल गई, पूरे वर्ल्ड में फैल गई कि ये होता है। समझा पाएगा कोई इस चीज को? देखो ये एक फॉक बना है, एक ये लाइन आ रही है। अब ये लाइन जिस जिस जगह पर टच होगी ना, इनकी मुसीबतें भी साथ साथ चलती रहेंगी हर चीज में। इस लाइन ने किस लाइन को टच करा, अब समझते हैं कि ये क्या। ये देखो एक ट्रायंगल बने हैं, एक ये एक ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल का आगे, यानी ये कब खत्म करेंगे अपनी एडवांस कैलकुलेशन, मैं यहीं से बता सकता हूँ, 22 साल। ठीक है, ये यहाँ पे गई, इसका जो है कनेक्शन आप निकाल के बता दो, ठीक। लेकिन हमें समझनी है इनकी शादी। फॉक बन चुका है, अब भैया मुद्दे की बात तो होती है कि भगवान बहुत तरीके से चीज़ों को चलाता है। वहाँ पर एक रेखा थी जिसे एक सीधी बना दी गई थी, बनाई थी, यहाँ पर उसका कनेक्शन क्या जोड़ दिया गया, इसके साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, कंपैटिबिलिटी, देखो मैच भगवान क्या करता है, उसके तरीके क्या हैं, वो समझने वाली बात होती है। अब मुद्दा ये आता है कि ये देखो, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये एक लाइन पीछे से रेखा आ रही है, ये एक लाइन, एक लाइन, ये एक लाइन, ये समझते रहो। जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मैंने कहा भाई ये क्या गड़बड़ है, इस डॉट से इस डॉट की कैलकुलेशन निकाल लो, वही कैलकुलेशन आ रही है, वही कैलकुलेशन आ रही है। मैंने कहा भैया यहाँ पर भी वही चीज़ बनी हुई है, ये क्या चक्कर है। प्लस अब इसी रेखा के साथ ये कनेक्शन, इसी रेखा के साथ ये कनेक्शन, अब ये भी कनेक्शन ढूंढने शुरू कर दो, इनका क्या मतलब होता है। ये है आपका 24.5 के करीब और ये है 27 के करीब स्टार बना हुआ। आप कहते हो अरे वाह स्टार बन गया सर, ये तो बहुत अच्छी सी बात है, एक पूरा सा स्टार बना हुआ है, एक डॉट है। अब पाम रीडर ना क्या कहता है, यहाँ पर इसे डॉट गिन लेगा, यहाँ पर इसे स्टार गिन लेगा। कितना चलाकी से काम करता है, कितना चलाकी से। यहाँ भी तो स्टार बताओ भैया उसे कि हाँ भैया स्टार बना हुआ है, जीवन रेखा पे स्टार है। फिर गूगल को सर्च करेंगे, वो किताब को सर्च करेंगे, फिर उसको हाँ वीडियो में, इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं होता। ये प्रॉब्लम जो 24-24 में चली थी, 27 में भी वही अभी तक इंडिकेट हो रही है, लेकिन इसी के साथ इस रेखा ने टच करके ये यहाँ ले आई, एक ये रेखा यहाँ पे बनी। अब ये जहाँ पर जा रही है ये क्या कह रही है, ये क्या कह रही है, ये बोलना क्या चाह रही है, ये बोलना चाह रही है कि भैया इस टाइम पीरियड पर आपके घर में कुछ हुआ होगा। ये है 29वां साल, 29 साल में सर कोई खुशी का, हाँ बच्चे का है तो, पर लेकिन डिस्टर्बेंस साथ में रही होगी, हाँ रही थी, समझते रहो। मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि रेखाएं बोलती कैसी हैं, सर पकड़ते कैसे। लेकिन जब भी कोई ये फॉग के साथ कोई रेखा ने टच कर दिया तो दिक्कत तो आनी आनी आनी, पैमाने में बढ़ेगा, स्तर बढ़ेगा, क्योंकि उन रेखाओं का
कनेक्शन जो है कुंज रेखाओं का वो साथ साथ चल रहा है। पीछे से रेखाएं जब भी चलती हैं वो क्या इंडिकेट करती हैं कि परेशानियाँ। ये परेशानी का स्तर 30 में, देखो अब 30 से लेकर हमें 35 तक का सफ़र देखना है इनका, ठीक। हमने यहाँ पर देखा कि एक रेखा ने इस रेखा का सहारा तो ले लिया, इस रेखा ने इसका सहारा लिया, समझते रहना, इस रेखा ने इसका सहारा लिया और ये यहाँ पर पहुँची, ठीक है। अब ये कौन सा टाइम पीरियड निकल के आता है, ये 30 आता है, ये 33 आता है, ये 35 आता है और इस पे क्या कर रही है, भाग्य रेखा टच हो रही है। मैंने इनसे कहा 30 से 35 पर, लेकिन 33 में कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चेंज हुआ होगा। तो इन्होंने कहा सर चेंज तो कुछ नहीं हुआ, हाँ मेरे को जॉब में काम का भार दे दिया गया था, ज़्यादा मतलब एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, समझते रहे। पर लेकिन यहाँ पर डिस्टरबेंस भी थी, साथ साथ डिस्टरबेंस भी चल रही। अब मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो मैंने बात बोली थी ना, ये लड़ाई झगड़े बहुत कुछ कराएगी। अब ये रेखा समझो, ये रेखा जब भी मुड़ गई और डार्क होके मुड़ गई, इसने तो अपना काम करना ही करना। इस रेखा ने इसके साथ का कनेक्शन ले लिया, इसने इसका कनेक्शन ले लिया और इसने कह दिया कि भैया अब नहीं बात बनेगी, नहीं बनेगी। अभी बहुत कुछ समझाऊंगा कि रेखाएं क्या क्या अपना असर दिखाती, बहुत कुछ, पहले इस चीज को समझते हैं। अब देखो यहां से मैं राइट हैंड पे लेके जा रहा हूं, देखो ये लाइनें जो हैं, ये लाइनें हैं, ये तो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी, ये रेखाएं कोई पाम रीडर कह देता है, लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी तो मैच करनी है। इस रेखा ने इसको टच किया, इस रेखा ने इसको टच किया, इस रेखा ने इसको टच किया, आप समझते रहो। ये तो हस्बैंड वाइफ का था, ये हस्बैंड वाइफ का, ये क्या कारण है, ये कहती है इन्वेस्टमेंट कराऊंगी, मैं खर्चा कराऊंगी, खर्चा हो रहा है। यार ये खर्चा किस पर हो रहा है, ये इस पर खर्चा हो रहा है, इस पे खर्चा हो रहा है, और ये खर्चा अगर हो रहा है तो ये यहां पर आकर ये देखो, ये यहां पर रोक रहा हूं, यहां पर एक पतली सी रेखा है। ये मैंने ये कहा कि आप पुलिस केस से बच गए, आपको पैसे नहीं खिलाने पड़े, क्योंकि रेखाएं तो ऊपर जा रही हैं, अगर ऊपर जा रही हैं इस पतली रेखा से, अगर रुक जाती तो क्या होता कि पुलिस केस होते हैं, जेल होती है। मैंने कहा आपने पैसा नहीं खिलाया, करा नहीं सर दबाव तो बहुत ज़बरदस्त हुआ था तो, लेकिन करा नहीं, दिया नहीं। मैंने कहा अच्छी बात, क्यों कहा, क्योंकि ये कहां से आ रही है, ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से निकल के आ रही है। देखो आ रही है, ये देखो ये टचिंग है। अब ये आप कौन बताएगा कि ये केस क्या था और वो टचिंग कैसे पकड़ता है आदमी। अब ये देखो कब तक चलेगी, सर ये बताना ये कब तक चलेगी, ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम कब तक चलेगी। अच्छा सर ये भी पता लग जाएगा इस लाइन से, हाँ जी इससे ये भी पता चल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने शादी की रेखा ये अगर आपने देख ली एक बारी तो अब आपको सहूलियत मिल गई कि इस रेखा के साथ ये रेखा टच है, इस रेखा के साथ ये रेखा टच है और इस रेखा के साथ ये एक रेखा टच है और उसी का कनेक्शन निकालते निकालते इस रेखा ने भी उसके कनेक्शंस को मैच करते हुए आगे बढ़ गई है। अब आपने देखना है कि सर जरा समझा दो कि कौन से साल तक इनको मेजर प्रॉब्लम रही होगी। सर देखो 44 और 45 साल तक इनको मेजर प्रॉब्लम रही, वो कैसे रही है, सर आप इस रेखा का टचिंग पहले देखो कि इस रेखा ने किस रेखा को आगे देख रही है,
और वहाँ पर एक रेखा यहाँ खड़ी है और एक रेखा ने इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ दिया है। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल लो आप, इसने इसकी निकाली, इसने इसकी निकाली, इसको आपने टचिंग करके आप यहाँ पहुँच गए। और मैंने कह दिया यार ये तो 44 और 45 का एक आ रहा है, इसे अलग रखो, इसे मेजर प्रॉब्लम में डाल देता हूँ और मैं इनसे पूछूंगा कि क्या आपकी लाइफ में मेजर। अब मैंने यहीं से कुछ कैलकुलेशंस निकाली और वो कैलकुलेशंस यहाँ पर क्या आ रही थी, 39। ये या सर ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये क्या यहाँ से बढ़ गई थी प्रॉब्लम। हाँ सर यहाँ से 39 साल एक महीने से जो है और 42 साल तक तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई, कैसे नहीं होगी। मैं अभी एडवांस, ये बहुत ऊपर की एडवांस कैलकुलेशंस है जो कि मैं यहाँ तक भी जाता हूँ, पर लेकिन नॉर्मल सर आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, आम आदमी के लिए समझा दो, ये तो प्रेडिक्शंस ऊपर से निकल जाएंगे। चलो वहाँ से समझाते हैं। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि ये रेखाएं क्यों दी जाती हैं, भगवान क्यों देता है, इसे पकड़ने की कोशिश करने वाले को समझ आ जाती है कि ये बात क्या है इनकी लाइफ कि शादी 24 साढ़े 24 और अभी तक यहाँ पर डिस्टरबेंस का सिलसिला चालू 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 है। समझ रहे हैं? तो कहने का क्या भाव है। अब मैं आपको दूसरे हाथ पे समझाता हूँ, क्योंकि देखो वो पाम रीडर जो कहते हैं पाम स्ट्री हीलर लेफ्ट हैंड देखता है, उन्हें अभी लेफ्ट और राइट का पता ही नहीं, पता ही नहीं। 31 मिनट हो गए, ये एनालिसिस क्यों डिफरेंट है समझा रहा हूँ। अरे पहला क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, मैं तो इस पे पकड़ लिया कि ये क्या चीज़ें चल रही कि तरक्की भी साथ चल रही है। ये मुद्दा क्या था कि इसी रेखा के साथ दूसरी रेखा को शादी का समझ आ गया मुझे अरे बाप रे इनमें तो ये प्रॉब्लम चल रही है कि क्या क्वेश्चन पुटअप करा था इन्होंने कि सर मेरी सर्विस कब पूरी होगी, मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बच्चों की जिम्मेदारी कब तक पूरी करूंगा, बिजनेस का भविष्य और विदेश यात्रा, मल्टीपल प्रॉपर्टी, स्वास्थ्य। यहाँ पर अभी बात तो नहीं आई थी सर, आपने ढूंढ ली। अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं सर्विस का पैमाना, सर्विस का पैमाना भी ढूंढना पड़ेगा। अब ये उन पाम रीडर के लिए ये वाला हाथ, उन पाम चैनल्स जो बना के बैठे हैं ना, वो कहते हैं कि अगर किसी की लाइफ में गवर्नमेंट जॉब होती है या कुछ होती है तो ये जो भाग्य रेखा होती है टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, दिक्कत आती है। ये उनका सोच है, मेरी सोच नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये रेखाएं की चाल क्या है, यहाँ पर वो करना क्या चाह रही हैं, बताना क्या चाह रही हैं, वो नहीं पता। बट यहाँ से ऑफशूट हो जाता है, हाँ यहाँ पर ऑफशूट है, आपको प्रमोशन मिलेगी और ये मिलेगी, किसी को ना मिले तो देखो क्या चीज़ें होती हैं जो लाइफ में हमें इंडिकेट करती है कि हमारी पामिस्ट्री में कुछ वीकनेस है और हमारी पामिस्ट्री पूरी है, क्या क्या होता। यहाँ पर जब पैमाना सेट कर दिया गया है कि एक जॉब मिल चुकी है और उस पैमाने को टचिंग के हिसाब से देखा जाएगा, समझते रहना, टचिंग के हिसाब से देखा जाएगा। प्रॉब्लम क्या है इनकी प्रॉब्लम थी मेजर, ये हस्बैंड वाइफ वाला मेजर प्रॉब्लम थी, रेखाएं का चाल क्या चल रही है, वो ये चल रही है, ठीक है, इस कनेक्शन के साथ इस कनेक्शन का सब जुड़ा हुआ कनेक्शन है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि यहाँ पर आकर ये फुल स्टॉप क्यों लग गया है और ये एरिया टूटा हुआ क्यों है, बाकी तो सारा रिपेयर है, ये क्यों टूटा हुआ है।
अगर ये टूटा हुआ है तो यहाँ माइंड चेंज होगा। मैंने यही कहा 56, 57, 58 एक्सपेंडिचर का पैमाना बढ़ जाएगा। और मैंने कहा आप फीलिंग आ रही है छोड़ने की, सर छोड़ने की फीलिंग तो 2 साल पहले से आ रही है, पर मैंने कहा अगले साल आप छोड़ना चाह रहे हो, कह रहे हाँ अगर मेरी ट्रांसफ़र कर दी तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अब लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड कह रहा है ये और एक हल्की सी तार और फिर खत्म। ये कर दिया और इसे नहीं भी बन रहा, पर लेकिन ऐसे करके ऐसे स्क्वायर बना दिया। हाँ हाँ, ये मल्टीपल पैमाना बनता है आपका इनकम का और ये बनेगा। ठीक है, ये नहीं देखा कि ये रेखा डार्क यहाँ आ रही है और ये एक फॉग बना रही है, एक ये बना रही है, एक ये रेखाएं हैं, वो नहीं पता कि ये क्यों आई है। और मल्टीपल इनकम जरूर बोलनी है, मल्टीपल इनकम, ये नहीं पता कि मल्टीपल इनकम एक यहाँ पड़ी है और एक यहाँ पड़ी है, ये नहीं मालूम। ये पीछे से एक रेखा पतली सी आ रही है ना, ये नहीं समझ आ रही कि इनका क्या मतलब है। पीछे से ये धारियाँ निकल रही हैं, इनका क्या मतलब है, ये बता रहा था। हाथ में अलग होता है, ये होता है व्यक्ति अपनी लास्ट की जिंदगी में एक प्रॉपर्टी बनाएगा जिसका मकसद होगा यात्राएं करके अपनी जिंदगी को अध्यात्म की ओर ले जाएगा। तीर्थ स्थान पर अपना घर बना लिया और वो कर लिया। तो मैंने कहा कि यहाँ पर है आपका, कह रहे हाँ सर सोच रखा है कि एक घर लूँगा। और मैंने कहा वो अभी ही सोचा हुआ है इसी तरह, हाँ सर अभी सोचा हुआ है लेने के लिए। और मैंने कहा वो आपने करना है, पर घर बना लेना, पर लेकिन एक जगह जैसे गंगा में आपने इसके पास बना लिया तो आप वहीं रहकर करोगे, ना 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 ना, ये यात्राएं कह रही है कि मैं घूमूंगा, सारी जगहें घूमूंगा, अब मैंने अपने ज़िंदगी का मकसद वो बना लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब सर वो क्वेश्चन था बच्चों का था क्वेश्चन कि बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी होंगी, वो कब तक क्या है क्या नहीं है, जरा समझ लो ये रेखा क्या कह रही है, समझ लो। इस रेखा ने इस रेखा के साथ साथ ले रखा है, इसके साथ साथ ले रखा है। अब ये यहाँ पर दो मतलब निकलते हैं, ये रेखा जब भी इसके साथ टच हो रही है ये बच्चों के लिए हो रही है, समझते रहना। ठीक है, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ये करते रहेंगे। ये कब से एक्टिवेट हो रही है सर, ये तो वही वाली रेखा के साथ हो रही है जो आपने 29 साल के बाद बोली थी, ये रेखा का कनेक्शन। हाँ अच्छा, इसका मतलब ये सर, पर आप अंगूठे के साथ कहते हो इसकी टचिंग होनी चाहिए। हाँ हाँ होगी ना, आप देखो ना, आप कैसे नहीं होगी, इस रेखा के साथ इन रेखाओं का कनेक्शन जरूर होगा जो कि देखो यहीं से इसी के पास से क्यों सारी रेखाएं निकल रही हैं, इसके पास से क्यों नहीं निकल रही है, मंगल रेखाएं, इसलिए उन्हें कमजोरी है समझने की, उन लोगों को कमजोरी है, उन्हें नहीं पता कि ये कहना क्या चाह रही है रेखाएं। ये वाली रेखाएं होती हैं तो लग्जरी चीज़ों को दिखाती हैं, और कहाँ से निकल के आ रही हैं, ये निकल के आ रही हैं यहाँ से, ये किसको बताएंगे, बच्चों को बताएंगे। पहली बात सर, यहाँ तो अभी लास्ट का घर हुआ है, पहले का घर कब बताया आपने। हाँ भाई, मैंने तो पहले का बताया ही नहीं, पहले का घर भी तो बन रहा है। अब ये जब भी ये बनता है तो क्या होता है, ये घर बनता है, पर सर ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर में पीछे से एक रेखा ने ऐसे करके ऐसे बनाया हुआ है और इस रेखा ने ऐसे कर रखा है, ये क्या चक्कर है, इसका मतलब कुछ घर में दिक्कत आई थी, यानी ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला कहता है कि अगर सपोज ये एक यहां पर ट्रेंगल और इस ऑफशूट के साथ ये एक बन जाता, प्रॉपर बनता,
हाँ भाई इनका घर बनना ही बनना है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, एक रेखा ने यूं लेकर बीच में एक रेखा ने यूं कर दिया, पीछे से ये रेखा ने, अब क्या हो रहा है। मैंने इनसे ये कहा था कि 46.5 और 47 से एक एक्सपेंडिचर मुझे लग रहा है जो कि 50 जो है वो 3 तक 52 तक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अरे सर ऐसा तो कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। मैंने कहा फिर देखो पैमाना देखो कि क्या है क्या नहीं है किसी घर के लिए। हाँ घर लिया था मैंने, वो 46 के करीब मैंने लिया था, लेकिन बिल्डर ने वो शायद दे नहीं पाया या कुछ ऐसा था कि बीच बीच में पेमेंट जाती होगी या कुछ होती होगी, तो वो पैमाना जो था वो यहाँ पर दिशा रहा है कि इसने इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है और बाकी सारी चीज़ें वो चलती हुई आ रही हैं। तो वो क्या बन गया, वो मल्टीपल इनकम, वो क्या थी, तुक्के की पामिस्ट्री, वो थी तुक्के की पामिस्ट्री। और ये क्या है, ये बता रहे हो। और सर अभी आपने ये तो बता दिया मल्टीपल इनकम इनकी, एक ये पर है और एक ये अभी और बनाएंगे आगे जाकर, तो अभी मुद्दा क्या आ रहा है, मुद्दा ये आ रहा है कि आपने अभी कहा था कि कुछ रेखाएं, ये एक पतली सी रेखा जो यूं चलती हुई आ रही है, ये क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि जो चीज, ये देखो यहाँ से जो चीज आपने पहले ली थी ना वो अभी एक और भी लोगे, लेकिन उसका मकसद चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, बच्चों के बारे में बताना क्या, वो मेरी जिम्मेदारियां कब तक पूरी, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है भाई, जब ये कह रहा है कि ये हाथ बता रहा है कि भैया आप तो सब कुछ करके गंगा नहाओगे और सारी जिम्मेदारियां पूरी करोगे, यात्राएं करोगे, तीर्थ स्थान पे जाओगे, सब कुछ करोगे, अपनी लाइफ लास्ट में आपने अच्छी बितानी है, जो कि 71 साल तक दिख रही है कि 71 साल तक भैया आपने अपनी लाइफ में 62 से लेकर, मैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर का जो पैमाना देख रहा हूँ 62 से 71 तक का पैमाना केवल यात्राओं में और खर्चों में ही सब कुछ जा रहा है, वो सब इसी में जा रहा है। ये अगर यहां पर ट्रेंगल है तो अगर परचेज कब अभी इस टाइम पर कर रहे हैं तो उसकी ये रेखा ने कह दिया कि भैया इसका यूज मैं करता रहूंगा और लास्ट दम पर मैं यहीं रहूंगा। ये रेखाएं पतली रेखाएं क्या कहना चाहती हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं। ये इस तरीके की आप एनालिसिस अगर, ये देखो ये रेखा अभी और क्या कहती है, ये रेखा यहां पर गई, इस रेखा ने फिर वो लड़ाई झगड़े पर कर दिया, इसने क्या करा यहां पर, ये खर्चे, मैंने कहा बच गए आप, हाँ मैं बच गया, खर्चे तो हुए सर, वो तो खर्चे कोर्ट कचहरी के कोर्ट में जाना, वो फीस देना, ये वो, ये कहां टच हो रही है रेखाएं, ये उस तरफ जा रहे। एक्सेक्ट चीजों को समझो, हाथ अलग है, कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है, लेकिन मैं उन पाम रीडर के लिए कह रहा हूं जो पकी पकाई बातें बोलना शुरू करते हैं, उन्हें आम खाने से मतलब है, और मुझे ये आम का मुझे नहीं खानी, मुझे उसकी जड़ को देखना है, सिंचाई कैसे होती है, पानी उसकी, वो पेड़ को देख, जितना पेड़ मजबूत होगा वो अपने आप फल देगा। मेरा ध्यान उसमें नहीं रहता, मेरा उसमें नहीं रहता, मेरी जड़ पे रहता है कि जड़ कहाँ पर है, तभी तो चीजें कुछ थी, देख कुछ रहा था। लोग ना यहाँ से, जैसे अभी इन्होंने कहा कि मैं अपने जीवन में मेरा भविष्य चाहे स्वास्थ्य से लेकर या किसी चीज के, जैसे यहाँ जैसे धार्मिकता का पैमाना लोग क्या करते हैं कि मेडिटेशन पे कहते हैं थर्ड आई अगर आपकी ओपन हो गई ना, तो वो कहते हैं कि आप मन चाही इच्छाओं को ना अपनी थर्ड आई से पूरा करो। कितनी गलत बात है, थर्ड आई यानी मेडिटेशन से तीसरी आंख को खोलने का मकसद क्या है कि हमारा भगवान के साथ मिलाप हो, हम उसके पास जाएं और हम जुड़ गए, हम रिद्धि सिद्धियों में जुड़ गए। ये नीचे की सोच है, ये है आम खाना। अगर आपका ध्यान अध्यात्म की तरफ,
आम खाने के लिए है, पैसों के लिए है, तो वो भगवान की तरफ का तो एक ढोंग है। लास्ट का टाइम भगवान के लिए अगर रखना है तो जड़ पर जाओ, जड़ पर। अध्यात्म ये फिलॉसफी नहीं है, मेडिटेशन ये फिलॉसफी नहीं है। मेडिटेशन है अपने ध्यान को केंद्रित कर बाहर से निकाल कर उसके साथ जोड़ना और फिर वो भक्ति में लीन हो जाना। किसकी भक्ति में? उसकी भक्ति में। तो वो कहना चाह रहा था बस छोटी सी बात पे कि वो चीज़ें। सर मेरा स्वास्थ्य बताए, देखिए स्वास्थ्य जो आपका, अगर कहूँ तो थोड़ा बहुत मुझे जो दिक्कत आ रही है वो आपके गुरु पे दिक्कत आ रही है, ठीक है, और चंद्र पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्योंकि क्या है, विदेश का आपने क्वेश्चन पुटअप करा था, डेफिनेटली विदेश से आप जरूर जाओगे, ये रेखाएं आपको विदेश पर लेके जाएंगी, लेकिन केवल घूमने के मकसद से लेके जाएंगी और कुछ नहीं। और अगर नहीं जा पाए तो डेफिनेटली ये बच्चों की रेखाओं के साथ भी जुड़ रही हैं, तो यानी मे भी शायद उनके साथ आप जाओ और डेफिनेटली जाओगे, ये भी तय, ठीक है। मल्टीपल प्रॉपर्टी बता चुका हूँ, विदेश का बता चुका हूँ, स्वास्थ्य में केवल चंद्र कमज़ोर लग रहा है मुझे, ठीक है, और आपका गुरु कमज़ोर लग रहा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड ही बीमारियाँ आपको लग सकती हैं, फैटी लीवर हो सकता है, ठीक है, या एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। इन सारी चीज़ों में ध्यान रखो। और मेजर प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ वो ये बता रहा था, देखो ऐसा होता है जब ये रेखाएं अंदर से टच होती हैं, ये इस रेखा से टच हो रही है, ये बच्चों की रेखाएं, लेकिन खर्चा भी कराती हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस भी हो रही है। तब मैंने कहा कि फैमिली की हेल्थ का भी देख लीजिएगा और अपनी हेल्थ भी देख लीजिएगा। तो मैंने वो चीज़ बोली थी कि आपकी लाइफ में आप जो अपना जो मैं कहना चाह रहा था वो ये था कि जब ये यहाँ पर डॉट है और यहाँ पर ये पतली सी रेखा से बना हुआ है, तो समुद्र शास्त्र या पामिस्ट्री क्या कहती है, एक रेगुलर रेखा चल रही है, सही ढंग से चल रही है, और उसके बाद वो वही रेखा पतली क्यों हो गई? गवर्नमेंट आप एम्प्लॉई हो, कोई डर वाली बात नहीं है, पर लेकिन इवन देन यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। तो यानी कुछ परिस्थितियां आपके सामने खड़ी करके दिखा देंगी आपको कि आपने अब क्या करना है। वो तो आपकी कमजोरी है कि मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकता, तो जिसके कारण मुझे रिजाइन देना पड़ेगा, वो आप हो। लेकिन अगर आप परिस्थितियों से अपने आप को मजबूत रखो तो ये कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन आपका हाथ, आपका रिफ्लेक्शन यही बता रहा है कि कुछ जरूर होगा। इसके लिए मैं तभी कह रहा था कि वो पैमाना बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर का पैमाना बढ़ रहा है, जो मैंने यहाँ पर भी बताया था आपको और यहाँ पर भी कह रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था और उस क्वेश्चन का मतलब क्या निकल के आ रहा है, सेम ही निकल के आ रहा है कि परिस्थितियाँ आपको झुकाने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? क्यों? आपकी कमी देख कर कि आप बच्चों के प्रति, आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर की उनका क्या होगा क्या नहीं है, अगर मैं दूर जाऊंगा, वो एक कारण के कारण आपको अपनी सैलरी पहले रिजाइन देकर आधी सैलरी हो जाएगी या उससे कम हो जाएगी, उस पर संतुष्ट रहना पड़ेगा। पर डरने की कोई बात नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हाथ मजबूत है, ये बहुत झेला है आपने। जो मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था, ये बिजनेस भी करोगे तो आप निकल लोगे, तो घबराना नहीं, पर एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे। घर आपने जो खरीदने को कह रहा हूँ, मैं तभी कह रहा था थोड़ा बहुत आप उसको कंट्रोल में रखो, फिर आगे बढ़ो। अब परिस्थितियाँ कहाँ ले जाएंगी, पर लेकिन पामिस्ट्री में तो कुछ मुझे इंडिकेशंस तो लग रही हैं। इसलिए खर्चे कम करो, हेल्थ का ध्यान रखो। 59 भी हेल्थ का इशू आ रहा है, यानी अभी आप 55 के हो, 56 से ही ये क्यों यहाँ पर डॉट पड़ा। मैं यहीं पर बहुत बड़ी मैंने स्टडी करा, ये हल्की क्यों पड़ी? हल्की पड़ने का मतलब ही यही है कि कुछ आपकी सैलरी का कम होना निश्चित है। फिर भी इसे खींच सकते हो तो खींच लो, ठीक है, लेकिन कुछ होगा तो ज़रूर। फिर भी बिजनेस करना चाहो कर सकते हो, रेखा मजबूत आगे जाकर हो जाएंगी, जो ये रेखा भी नीचे उतरी हुई है कुछ ना कुछ आपको सहारा देगी, फिर भी आप आगे बढ़ो, ठीक है, देखी जाएगी, पर मजबूती के साथ कुछ होगा तो ज़रूर।
जो इंडिकेशंस दिखाई दे रही हैं। तो मुद्दा क्या था, आपका क्वेश्चन क्या था कि क्या मेरी जॉब का जा सकती है या छुट सकती है, या जो आपने क्वेश्चन कहा था। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ इंडिकेशंस ऐसी लग रही हैं कि खर्चे के पैमाने बढ़ेंगे। वो पतली रेखा है, यानी पतली रेखा का मतलब सैलरी का आधा होना, वो किस कंडीशन पे होता है, तो वो मुझे डाउट पे लग रहा है। और एक पामिस्ट्री ये कहती है कि इसे खींच सकते हो तो खींच लो, लेकिन वो तुक्के की पामिस्ट्री है। पर मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि कुछ है, पर देखते हैं आगे जाकर क्या होता है, वो तो टाइम बताएगा। ठीक है, तो वो भी देखेंगे। और अब इसके बाद ओवरऑल कंक्लूज़न क्या निकलता है आपके हाथ का, कि इसमें थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होके चलना है। अपनी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि आपके ऊपर उंगली उठे और उसके कारण आपको रिज़ाइन देना पड़े। परिस्थितियां ज़रूर करवा सकती हैं खेल आपके साथ। ठीक है, और रही बात बच्चों की, बच्चों की जिम्मेदारी, वो पीछे हटोगे नहीं। ठीक है, वो पूरी होंगी। घर के लिए कहा था थोड़ा सा कॉन्शियस होके लेना, अगर लेना चाह रहे हो तो पहले इस परिस्थिति से निकल जाओ, अगर वहाँ सेट हो जाओ तब जाकर कोई घर खरीदना, क्योंकि एक्सपेंडिचर के पैमाने बढ़ रहे हैं। बस यही कहना चाह रहा था ओवरऑल, और जो मैंने उपाय बताए हैं वो आप मेरे से ले लीजिएगा। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।